हम उसको मानते हैं, उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहाँ उनका वोट बैंक न खिसक जाए। ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। हमें सम और विषम परिस्थिति में कोई हमारे मूल्यों के से डिगा न सकता हो, कोई हमें हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता हो, यह हम अवश्य प्रयास करें। क्योंकि जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वो हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, ये हमारा दायित्व है। और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। ये किसी भी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है। राक्षसी वृत्तियां जब भी धराधाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। एक वर्ष तक के कार्यक्रम चलेंगे। अभी 15 अगस्त को हम अपनी आजादी का दिवस मनाएंगे। अमृत काल के प्रथम आयोजन को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों का आह्वान किया है, भारत के आन मान शान को हर घर पर लहराएंगे, हर घर पर तिरंगा होना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव के प्रथम काल में, अमृत काल के इस वर्ष में, 13 से 15 अगस्त के बीच हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि अभी 11 से लेकर के 15 के बीच में तिरंगा यात्राएं निकलनी चाहिए, तिरंगा कार्यक्रम बनने चाहिए, तिरंगा पर गोष्ठियां होनी चाहिए, तिरंगा को लेकर के लेखन प्रतियोगिता होनी चाहिए, तिरंगा को लेकर के डिबेट होनी चाहिए, और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हर घर में तिरंगा फहराने का कार्य होना चाहिए। और इसके माध्यम से संकल्प होना चाहिए कि मेरे लिए मेरा देश महत्वपूर्ण है, राष्ट्र सर्वोपरि है। नेशन फर्स्ट के इस थ्योरी के साथ हम सबको जुड़ना होगा और तभी हम सबका कल्याण होगा। अयोध्या विद्यापीठ के छात्रों से भी, यहां की छात्राओं से भी मैं कहूंगा कि तिरंगा लाकर के हर एक विद्यार्थी एक दिन अगल बगल के गांव में तिरंगा यात्रा के साथ निकल करके भारत माता की जय, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए निकल करके हर व्यक्ति को बोलें कि भाई ये भारत की आजादी का प्रतीक है, आजादी के इस प्रतीक को अपने घर में लगा करके सम्मान दीजिए, और तभी हमारी आजादी सुरक्षित होगी। और आजादी सुरक्षित होगी तो हम भी सुरक्षित होंगे, हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा।